हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम इन दो कलर से क्रोशिए से थंब वाली सॉक्स बनाएंगे। तो इस पे हमें 49 चेन बना लेंगे। पहले इस तरह से 49 चेन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 49 चेन बना के फिर आगे दिखाती हूँ। फ्रेंड, 49 चेन बनाने के बाद इस तरह से ये देखिए, एक चेन छोड़ के दूसरी चेन पे हम ऐसे ही एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे डबल धागे से। 2 3 4, इसी तरह से 49 बना देंगे आगे तक, और फिर उधर से भी एक लाइन इधर को बना देंगे। दो धारियां बनाएंगे इसकी सेम इसी तरह से। अब देखिए फ्रेंड, दूसरा कलर लगा लिया मैंने, एक बनाया, 2 3, इस तरह से हमें 24 इस साइड बनाएंगे और 24 इस साइड, और बीच में एक पे फंदे बनाएंगे। तो ये 24 में इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेती हूँ इसी तरह से। ये देखिए 24 बार बनाएंगे इसको। अब देखिए फ्रेंड, 24 बार मैंने बना लिया है। अब इस एक पे हम पहले 2 बनाएंगे, देखिए 1 और 2 बार बना लिया। अब इस एक में ही 4 बार बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे यहाँ पे, और फिर से 2 बार डबल क्रोशिया यहीं पे बना देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद फिर 24 बार 24 बार इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक बना देंगे। फिर इसके बाद दूसरी धारी भी हम इसी कलर से बनाएंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ पहले पूरे। अब देखिए फ्रेंड, इस पे मैंने 26 बार बना लिया, 2 हमारे बढ़ गए हैं यहाँ। और ये देखिए, ये जो 4 फंदों वाला डिजाइन है, और बीच में हमने ये एक चेन बनाई थी, तो यहाँ पे फिर से हमने 4 ही बनाने हैं। देखिए 1 2, फिर चेन बनाई और 2 फिर बनाए। इसमें हमने हर बार इसी तरह से बनाना है, पर अगली बार हम 2 दूसरे कलर से बनाएंगे। अब 26 चेन हम ये सॉरी 26 डबल क्रोशिया हम इस वाले आगे तक बना देंगे इसी तरह से। और इसके बाद हम दूसरा कलर लगाएंगे। एक बार मैं दूसरा कलर लगा के भी दिखा देती हूँ किस तरह से बनाना है हमने। ये देखिए, अब देखिए फ्रेंड, 28 बार मैंने इस वाले कलर से बना लिया है डबल क्रोशिया। अब फिर से हम इस वाले पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे उसी तरह से। 1 2 बना दिए, एक चेन बनाएंगे और फिर से 2 इसी में, 1 और 2, इस तरह से हमारे ये बढ़ते जाएंगे। 28 हो गए, इसी तरह से बढ़ाते बढ़ाते हम यहाँ तक 40 करेंगे, 40 इस साइड 40 ही इस साइड। तो इसी तरह से दोनों साइड से आप दोनों कलर लगाते जाइए, दो दो धारियाँ दोनों कलर की बनाते जाइए। और ये 40 40 डबल क्रोशिया, 80 टोटल हमारे पास होने चाहिए ये डबल क्रोशिया। तब तक हम इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे, और फिर उसके बाद मैं अंगूठे बनाना बताऊंगी। इसी तरह से बनाना है हमने ये। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ तक बना लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 बार हमने ये चेन बना के फंदे बढ़ाए हैं। अब इसके बाद हम अंगूठे बनाएंगे, तो ये अलग बनाएंगे, 38 इस साइड और 38 ही इस साइड। तो ये हम सिंगल क्रोशिए से बनाएंगे, जिस तरह से हमने बॉर्डर बनाया था ऊपर, अब हम वैसे ही बनाएंगे। देखिए 1 2 चेन बनाई, और एक बार में इनको बंद कर दिया। इस तरह से हमें 2 38 को लास्ट तक इसी तरह से बनाते जाएंगे।
और एक दो ये छः बार बनाएंगे हम, दो बार ए और चार बार फिर और बनाएंगे। तो इस तरह से अब यहाँ से आगे नहीं हम जाएंगे और फिर इसके बाद हम ए वाला बनाएंगे। पहले हम ए कंप्लीट कर देते हैं छः बार बना के, फिर ए वाला बनाएंगे। तो इस तरह से दोनों साइड छः छः बार बना लीजिए अलग अलग। अब देखिए फ्रेंड, ये सात बार बनाया है मैंने, इधर भी सात ही बार, क्योंकि छः बार छोटा पड़ रहा था इसलिए सात सात बार दोनों साइड बना लिया। अब सीधी साइड अंदर की साइड करेंगे, उल्टी बाहर की साइड। अब यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे हम इसको। यहाँ से लेके यहाँ से, और ये देखिए इस तरह से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, इतने छोड़ के यहाँ तक सिल लेंगे। ये देखिए यहाँ तक इसको सिल लेंगे हम। जिस तरह से हम सिलते हैं उसी तरह से सिलेंगे। इसी कलर से सिल दूंगी मैं, ये दूसरा कलर नहीं लगाऊंगी। देखिए ये वाला कलर भी इसी से सिल दूंगी और वहाँ तक 10 फंदे छोड़ के पीछे तक इसको इसी तरह से सिल देंगे हम, एक इधर से लेते हुए लास्ट तक। देखिए ये मैं सिल लेती हूँ वहाँ तक, फिर अंगूठे सिलना बताऊँगी। देखिए फ्रेंड, यहाँ तक सिल लिया मैंने इसको। अब इस तरह से हम पकड़ेंगे इसको, एक कोने से दूसरे कोने तक सिल देंगे। पहले धागा ऊपर कर लेंगे हम एक किनारे पर। देखिए अब इस तरह से पकड़ेंगे और इधर से इधर तक सिल देंगे। अब यहाँ से हम धागा काट देंगे। देखिए इस तरह से अंदर को फोल्ड करते हुए इसको यहाँ से काट देंगे और फिर मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ इसको। अब देखिए फ्रेंड, सीधा करेंगे इस तरह से, ये अंदर की साइड और ये बाहर की साइड, और इस तरह से हमारे अंगूठे बनके तैयार हो गए हैं और बहुत ही सुंदर सॉक्स बनती है। बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कि क्रोशिए से बनाई गई है। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो फ्रेंड, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।